आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। अभी ये कंप्लीट नहीं है ना, शहर में आपके पास नहीं है सर? हमारे पास जो डब्ल्यू है चंबा फैसिलिटी है सर, पूरा है जी सर। वो महिला ब्लॉक और साथ में चंबा है, उसको कैटर कर रही है सर। इट्स फंक्शनल सर, वही वही सेग्रीगेट कर रहे हैं कि वो? हाँ सर, सेग्रीगेट कर रहे हैं सर। और लेकिन सर यहाँ पे पंचायत के अंदर जो हमने मेथोडोलॉजी अपनाई है ना सर, हम सेग्रीगेशन एट सोर्स के ऊपर या सर इसके अंदर टोटल हमारे को 16 लाख रुपए है, जिसके अंदर 6 लाख रुपए मशीन के लिए सर, तो अभी 7.5 लाख रुपए बना है सर। कंस्ट्रक्शन और हुई है? हाँ सर, अभी कुछ बाहर हो गई सर, शट की सर। अच्छा, एक खुदा बनानी, एक ना कुछ बाउंड्री वॉल के लिए हमें आप कर देंगे, आपके साहब लिख के दो आज अभी करा देंगे, है ना? करा देंगे, ठीक है, साहब ने बोल दिया। जसीन साहब ये आओ, और एक बार वार्ड ये उप प्रधान है हुसैन अली रजिंडू पंचायत के, ये हमारे जी बशीर भट्टी जी हैं, ये हमारे जी पुराने, ये दरबारी जी वार्ड मेंबर है सरान से, ये हमारे उप प्रधान है, प्रधान है, और ये प्रधान इसी पंचायत के हैं, एंड इस पंचायत में मुझे आइडेंट नहीं है।
ये हमारे मेहरा जी हैं, बड़े पुराने हमारे टंडन जी हैं, सभी सभी बुलंद सर आ जाओ। ये हमारे सीटी पंचायत से आज पंचायत मंत्री जनरल सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंह जी, सिंह जी हमारे राकेश जी जी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारे दौरे बने हैं। आप देख सकते हैं हमारे ये हमारे प्रधान हैं, ठीक है। कितने साथी हमारे लाइफ हमारे सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि हमारे जी सेवा दल के लियाकत अली खान जी, रमेश राव जी मेरे सहयोग जी विधायक ये हमारे जनाब सामने 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 सर टॉप थोड़ा ये रफी जी अभी मेरी बिल्कुल बाकी रुक लो जी थोड़ा सर चंबा में बड़ी पल्ली चाट बड़ी पल्ली चाट जी अभिषेक की मांग से तो आपको पता ही है बट सर जो भी माई फाइल के बाद में बार बार पता ही फाइनेंस हम कुछ चाह रहे हैं कि मैडम लेकिन अभी अभी जो 3 महीने बाद दिए हैं वो स्टेट फंड से दिए हैं, फिर बाद में 6% कंटेंजेंसी का मनरेगा से आया। 25% कर्मचारियों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है दिए हमें नहीं मिल रहा। सरकार ने पहले भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी टाइम टू टाइम आपको सब कुछ चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब एक नई चीज़ डाल दी जिला परिषद के जो बंदे हैं जो दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मिले, उन्होंने खुद बुलाया कि हम फाइनेंस की थोड़ी समस्या के लिए हम मान लेते हैं नोटिफिकेशन आपको पता हो चुकी है और बार बार बाकी सभी डिपार्टमेंट को मिल रहा सर हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट बचा सर हमारा पीछे हमारे जेल कुछ नहीं मिला सर बेचारे सीधे से कह रहे हैं हमने कुछ इलेक्शन करके खाली करवाए सर अभी खाली पर ये चाह रहे हैं थोड़े और जो ऊपर वाली हां वही वाले जो दिखाए थे 15 तारीख का टाइम है बोलते करते सर सेट हाउस सेट अंदर से Thank you.
अरे अरे जो आज का जो चंबा प्रवास है तकरीबन 5 दिन का प्रवास जो है मैंने बनाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, कुछ क्षेत्रों में वो खुद जो है वो नहीं जा पाए। अभी मैं सर्किट हाउस चंबा सिटी में हूँ, इसके बाद होली अभी जा रहे हैं वहाँ का नुकसान का जायज़ा लेने। ऐसे कि वैसे तो प्रशासन ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है, परंतु फिर भी जो मैंने मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनका मैसेज भी है कि मैं कभी थोड़े दिन में खुद आऊँगा, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसके खुद अपने आंखों देखा जो है उनको हम रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। हज़ारों करोड़ का नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है और चंबा हमेशा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिलों के नज़दीक रहा है। वो ज़रूर यहाँ पे भी आके जो है लोगों के आने वाले समय सर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारियों की मांग है उनको विभाग में समायोजित किया जाए तो क्या रहेंगे? जो जिला परिषद का जो मामला है उन्होंने उनकी डिमांड है कि रूरल डेवलपमेंट में मर्ज होंगे, ये हमारे संज्ञान में है। फाइल जो है वो फाइनेंस को हमने भेजी है, कुछ एक थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें या फाइनेंस की दिक्कतें, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा प्रदेश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, उसके ऊपर ये 10,000 करोड़ का जो नुकसान जो पूरे प्रदेश में हुआ है ये ऊपर से भारी का हुआ है। हम लोग खुद जो हैं इस पर गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बिल्कुल इस संज्ञान में बातें हैं, इसको उचित कार्रवाई जो है वो स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं सर। वो नहीं, स्टेट कैडर जो है वो गलत इंटरप्रेशन जो है वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है। कई बहनें हमारे पास आई हैं पूरे विभाग के पूरे हिमाचल से, कुछ लोग जो है हमारे भाई लोग वो लोग आ रहे हैं कि हमारी जो है इधर बदली करी जाए, क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट थी वो सपोज़ चंबा ज़िले में है, लेकिन उनकी शादी जो है बेटियों की शादी कांगड़ा में हो गई है, वो तो हमेशा चंबा से वो छोड़ के उस ब्लॉक को छोड़ के जा ही नहीं पाएगी। बात यह है तो उनकी भी यही है कि हमारे वो करा जाए, इस वजह से जो है ये कदम जो है हमने सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आया। चंबा विधानसभा क्षेत्र का एक डेपुटेशन आज कश्मीरी मुल्ला का भी आपसे मिला और 7 घर मुहाने पे खड़े हैं भूस्खलन के, उनके लिए क्या है? वो मैंने बिल्कुल देखा है, फिजिकली भी देखा है, रोड से भी मैंने देखा है, कितना करीबन 100 मीटर जो खड्ड से लेकर ऊपर है और उसमें डंगा लगाना जो है वो फिजिबल ही नहीं है। मेरी डीसी चंबा देवगन जी से बात हुई है और इसके लिए जो है जियोलॉजिस्ट की अभी इन्होंने लेटर लिखा है, उनको बुलाया जा रहा है। इसमें केवल मात्र एक ही विकल्प मैं समझता हूँ हो सकता है, जो सीमेंट का जो स्प्रे है वो उसके ऊपर करा जाए, लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ हमारे को उसका इंतज़ाम करना कि बोल्टिंग रॉक बोल्टिंग जिसको बोलते हैं वो करनी पड़ेगी, तब जाके नहीं है थोड़ा सा। सर गत वर्षों से कई बार इस मोहल्ले को लेकर आश्वासन मिले हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रहा, पर आज दिन तक इस मोहल्ला वासियों को राहत नहीं मिले। आज ऐसा माहौल बन गया कि 7 घर 20 करोड़ रुपये का काम जो है वो तो फंडिंग का भी सोचना पड़ता है, वो फंडिंग कहाँ से आएगी? मिटिगेशन फंड में डीसी साहब ने बोला है, डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो होता है उसमें डालने की बात करी है और प्रशासन काम कर रहा है, यहाँ के MLA नीतीश नैयर जी अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं और ज़रूर जो मैं समझता हूँ कि चंबा जो शहर का इसका कार्यक्रम
आपको मिले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो बनिकेट में मिला आपको। रात को ही भाई पूरी बार को पकड़ाइए फाइन पॉइंट साहब जी पकड़ाई साहब ने वार्ड वाला बीच ही पकड़ाई जा भाई आवाज भाई एप्लीकेशन पकड़ाई बंदे उठाओ रिकमेंड ही कर रहा हूँ यार तुम्हें बोल रहा हूँ ना करा देना भाई हम मान लीजिए क्या तरीका है यशवंत जी कल रात को आपके पास कल कल क्या बोल रहा है